सबसे पहला टॉपिक जो मेरा रिलेशनशिप्स के ऊपर से सर, अब इतने दिनों से साथ में हैं तो पहले बहुत अटैचमेंट फील होता था, पर जब से आपके साथ जुड़े हैं तो कुछ दिनों से मतलब लगता है कि अगर ये पार्ट ना भी रहे तो चल जाएगा काम। तो अपनी गर्लफ्रेंड की बात कर रही है? हाँ बिल्कुल, पर ये भी मेरा थिंकिंग ही था फिलहाल। जब ये एक्चुअली में कभी भी होने वाला होता है तो भयानक डर होता है, भयानक। तो एट लास्ट पता यही चलता है कि अटैचमेंट अभी भी है बहुत ज़्यादा। तो और दूसरा बात यह है कि हर हफ्ते में कम से कम एक बार ना एक बार ऐसा लड़ाई होता है कि लगता है कि आज ही ख़त्म होने वाला है, और फिर ये कंटिन्यू होता है, फिर कंटिन्यू होता है, और जितनी बार लड़ाई होता है उतनी बार जो प्यार वाली बात होती है वो ख़त्म होती जाती है। और इस बात से मतलब मैं एकदम फेड अप आ गया हूँ, इससे समझ में नहीं आता क्या करना क्या चाहिए मुझे। लड़ाई होती है, हर हफ्ते ही लड़ाई हो जाती है, और जब भी लड़ाई होती है तो लगता है कि बस इस बार तो इतनी जोर की हुई है कि सब खत्म ही हो जाएगा। बिल्कुल, पर कुछ है जो बांधे रखता है, खत्म भी नहीं होता, चलता रहता है, चलता रहता है, आगे फिर लड़ाई होती है, यही चक्कर है। तो क्यों होती है लड़ाई हर बार? लास्ट में पता यही चलता है कि उसने कुछ गलत समझा या फिर मैंने कुछ गलत समझा, और कुछ नहीं। उसने गलत क्यों समझा या तुमने गलत क्यों समझा? मेरे साथ जब भी एक दो बार मैं पकड़ पाया हूँ ऐसा है कि मेरे बैकग्राउंड में कुछ चल रहा होता है जिसकी वजह से मेरा गलत हो जाता है। तो ये जो तुम गलत समझते हो, ध्यान से बताना, सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को ही गलत समझ लेते हो या और परिस्थितियों में और लोगों को भी गलत समझ लेते हो? होता है कई बार होता है औरों को भी। हाँ ठीक है, इसी तरह से तुम्हारी गर्लफ्रेंड है वो सिर्फ तुम्हें ही गलत समझ लेती है, तुम्हारी ही बातों को या कामों को लेकर के शक में और भ्रम में आ जाती है, या वो और परिस्थितियों में और लोगों को लेकर भी भ्रमित ही रहती है? इसका ज़्यादा तो पता नहीं है मेरे को, क्योंकि अब कन्वर्सेशन बहुत कम हो गया है मेरा। सिर्फ पहले जब था और ज़्यादा था, और ज़िंदगी एक दूसरे से बांटते थे और एक दूसरे को अपनी बातें बताते थे, तब तुमने क्या देखा था जीवन में अन्यथा दूसरी जगहों पर? उसको बहुत स्पष्टता है, क्लैरिटी है, जो जैसा होता है बिल्कुल साफ साफ भाप जाती है, पकड़ लेती है। कुछ हद तक जब मैं नहीं था आपके साथ तो मुझे लगता था कि बहुत इंटेलिजेंट है और हर चीज़ों को सही सही पाती है, पर अब मेरे को नहीं लगता वो चीज़ थोड़ा मतलब। तो अब क्या लगता है? अब लगता है कि उसने मुझे कुछ ऊपर किया और मैं ऐसा आ गया कि फिर अब वही मतलब, तो वो भी भ्रम में फंसी रहती है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं बस, उसके बाद नहीं। जैसे कह रहे हो ना कि जब भ्रमित रहते हो तो सिर्फ एक व्यक्ति को लेकर के ही नहीं रहते, एक गर्लफ्रेंड को, एक लड़की को ही लेकर के नहीं रहते, बहुत सारी दूसरी चीज़ों को लेकर भी भ्रमित रहते हो। कुछ बातें पूछूंगा, उनका जवाब देना। जीवन में क्या कर रहे हो ये साफ साफ पता है, और क्या करना है इसको भी लेकर के स्पष्टता है? दो हैं, फंसे हुए दो में फंसा हूँ। फंसे हुए हो, दो में फंसे हुए हो। जब चुनाव करने होते हैं, फैसले करने होते हैं, तो क्या तुरंत कर लेते हो या अक्सर ये पाते हो कि सोचना पड़ रहा है, विचार करना पड़ रहा है, निर्णय जल्दी से नहीं हो पा रहा? कई बार तो खटाक हो जाता है, पर कुछ देर बाद फिर दिमाग काम करना चालू करता है, फिर वो चेंज हो जाता है। तो जब त्वरित रूप से हो भी जाता है तो
आगे फिर बुद्धि पलटने लगती है। इसका मतलब ये है कि हम एक दो मौकों पर या एक दो लोगों को ही लेकर के असमंजस में और भ्रम में नहीं रहते। हम अगर गलत समझ रहे हैं तो जितना गलत हम अपने करीबी लोगों को समझते हैं, दोस्तों को, यारों को, प्रेमिका को, गर्लफ्रेंड को, उतना ही गलत हम और चीज़ों को भी समझ लेते हैं। मैं नहीं जान पाता कि मेरी गर्लफ्रेंड कौन है, क्या है, कैसी है, ठीक ठीक नहीं समझ पाता। इसी तरीके से मैं ये भी तो नहीं समझ पाता ना कि ज़िंदगी क्या है, कौन है और कैसी है। मैं ये नहीं जान पाता कि इसके साथ बनेगी कि नहीं बनेगी, इसके साथ चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। इसी तरीके से मैं ये भी तो नहीं जान पाता ना कि रोटी कमाने के लिए और जीवन बनाने के लिए, आजीविका के लिए, करियर के लिए क्या करना चाहिए। तो दो लोग हैं जो दोनों एक दूसरे को लेकर के संशय में रहते हैं, दोनों एक दूसरे को साफ साफ देख नहीं पा रहे, पहचान नहीं पा रहे, तुम्हारे शब्दों में कहें तो समझ नहीं पा रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग है। उन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग मात्र इस आपसी रिश्ते में ही तो नहीं है ना, चारों तरफ है ना। ऐसे समझ लो कि तुम खड़े हो और तुम्हारी आंखें साफ साफ नहीं देख पाती, और तुम्हारे सामने कोई दोस्त खड़ा है तुम्हारा, उसकी आंखें भी साफ साफ नहीं देख पाती, और दोनों एक दूसरे को कह रहे हो कि तू मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा और तू मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा। चूंकि देख एक दूसरे की ओर ही रहे हो, चूंकि एक दूसरे से मोहित हो, बंधे हुए हो, तो ऐसा लग सकता है कि हम एक दूसरे को साफ साफ नहीं देख पा रहे, कि जैसे साफ न देख पाना, नजर का धुंधला हो जाना सिर्फ इस स्थिति में हो रहा है और सिर्फ किसी एक व्यक्ति के संदर्भ में हो रहा है, ऐसा लग सकता है ना। सही लगता है, क्योंकि तुम उसी एक व्यक्ति को देख रहे हो तो तुम्हें क्या लगेगा कि तुम्हें कौन धुंधला दिख रहा है, सामने वाला। लेकिन तथ्य यह है कि तुम जिधर देखोगे उधर ही तुम्हें क्या दिखाई देगा, धुंधला। और जो दूसरा व्यक्ति है वो भी जिधर को देखेगा, मात्र तुम्हें ही नहीं, वो जिधर को भी देखेगा उसे कैसा दिखाई देगा, उसको भी जिधर देखेगा उधर ही धुंधला दिखाई देगा। तो क्या बात इस रिश्ते की है, क्या समस्या इस रिश्ते में है? नहीं, बिल्कुल। पर देखो, तुमने भी शुरू करते ही कहा कि सबसे पहली बात रिलेशनशिप्स, तुमने ऐसे कहा जैसे कि इस रिश्ते में कोई बीमारी लग गई हो, जैसे इस रिश्ते में कोई खोट हो, जैसे इस रिश्ते को सुधार की आवश्यकता हो। अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है तो क्या वो गड़बड़ इस रिश्ते में है? ये जो विशेष रिश्ता है किसी एक इंसान के साथ, क्या गड़बड़ यहाँ पर है, कहाँ पर है? दोनों के मन में गड़बड़, आंखों में। आंखें दोनों की धुंधली हैं, दोनों की आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, इसीलिए उन्हें कुछ भी नहीं साफ दिखाई देता। यही नहीं कि उन्हें एक इंसान नहीं साफ दिखाई दे रहा, उन्हें तो कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा। ये इंसान हट जाए, इसके कोई और इंसान आ जाए, उन्हें फिर वही धुंधला दिखे, वो भी साफ नहीं दिखाई देगा। इसीलिए अक्सर होता है कि तुम एक गर्लफ्रेंड से ऊब जाते हो, जिंदगी में दूसरी आ जाती है, पहली के साथ तनाव था, दूसरी के साथ और तनाव रहता है। हमें लगता है कि गर्लफ्रेंड बदलने से समस्या हट जाएगी, समस्या अपनी जगह रहती है, लोग आते जाते रहते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, समस्या नहीं बदलती। तो मूल समस्या क्या है? धुंधलापन, आंखों का धुंधला आ जाना, ज्योति का मध्यम हो जाना, नजर पर जाला पड़ जाना। अच्छा, तो अब हम गर्लफ्रेंड की बात करें या आंख की बात करें? आंख की बात करें, क्योंकि रिश्ता तुम्हारा कैसा है ये तो सीधे सीधे इस पे निर्भर करता है ना कि तुम कैसे हो। जैसे तुम होगे, तुम्हारे सारे रिश्तों की गुणवत्ता बिल्कुल वैसी ही होगी। जैसे तुम होगे, तुम्हारे सारे रिश्तों की गुणवत्ता बिल्कुल वैसी ही होगी। मानते हो कि नहीं मानते? कम से कम तुम्हारे संदर्भ में। मैं जैसा हूं
वो गुण, वो रस, वो बात मेरे इस कंप्यूटर से रिश्ते में भी दिखाई देगी, मेरे इस मेज से रिश्ते में भी दिखाई देगी, मेरे इस व्यक्ति से रिश्ते में दिखाई देगी, मेरे उस व्यक्ति से रिश्ते में भी दिखाई देगी, मेरी नदी से रिश्ते में दिखाई देगी, मेरी किताब से रिश्ते में दिखाई देगी, मेरी चिड़िया से रिश्ते में दिखाई देगी। मैं जिससे भी रिश्ता बनाऊंगा वो रिश्ता मूलतः होगा किसका? मेरा। मेरा ही होगा ना। रिश्ता किसका है? मेरा है। अगर मैं हिंसक हूं तो मेरा चिड़िया से रिश्ता कैसा होगा? हिंसक ही होगा। हिंसा का। और अगर मैं हिंसक हूं तो मेरा मेरे बच्चे से रिश्ता किसका कैसा होगा? उससे भी हिंसा का। तो अब अगर मैं अपने बच्चे से हिंसा कर रहा हूं तो इसमें क्या मेरे और बच्चे के बीच के रिश्ते की जांच होनी चाहिए? नहीं भाई, उस रिश्ते में कुछ विशेष नहीं है, क्योंकि मैं तो जिससे ही जुड़ता हूं उसी से हिंसा करता हूं। मैं एक दीवार के साथ भी खड़ा हो जाऊं तो उसे भी कूचने कुरेदने लग जाऊंगा, कुछ ना कुछ मैं उससे भी हिंसा का रिश्ता बना लूंगा। तुम देखते होगे लोगों को, वो जो प्राचीन भवन वगैरह होते हैं उनके पास जाते हैं वो क्या कर देते हैं उसकी दीवारों पर? कभी देखा नाम लिख देते। पुराने किलों में जाओ, पुराने खंडहरों में जाओ, लोग दीवारों के साथ भी क्या कर रहे हैं? उसके साथ भी उन्हें खुरेच रहे हैं, उन्हें कुरेद रहे हैं, उन्हें नोच रहे हैं। कर हो सकता है वो प्रेम के नाम पे रहे, हो सकता है वहां लिख रहे हो कि रमेश लव्स प्रिया, पर कर तो हिंसा ही रहे ना। अब जो इंसान पत्थर के साथ हिंसा कर रहा है, जाहिर सी बात है कि वो प्रिया के साथ तो हिंसा करेगा ही, भले ही वहां पे नाम वो प्रिया का लिख रहा हो, लेकिन थोड़ी देर में प्रिया के साथ भी करना झगड़ा ही वाला है। बात समझ में आ रही है? हिंसक मन चाहे पत्थर हो चाहे प्रिया हो, दोनों को खुरचेगा ही, दोनों का खून ही निकालेगा। जो इंसान जानवरों को मार मार के खाता हो, वो क्या वास्तव में अपने दोस्त के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति करुणा से भरा हुआ हो सकता है? ऊपर ऊपर से ऐसा लग सकता है कि हाँ इसका बड़ा प्यार है अपने परिवार से, अपने समाज से, लेकिन जो आदमी पक्षियों को और जानवरों को काट सकता हो, निर्ममता से चबा सकता हो, संभव नहीं है कि वो शेष दुनिया के प्रति संवेदना से भरा हुआ होगा। तो किन्हीं भी दो लोगों को अगर अपने संबंध में समस्या आ रही हो, रिश्ते में तनाव होता हो, तो उस तनाव को हटाने का, उस रिश्ते को सुधारने का एकमात्र तरीका क्या है? खुद को सुधार। खुद को सुधारेंगे तब आप सुधर जाइए, आपका रिश्ता ठीक हो जाएगा। और अगर आप सुधर जाएंगे तो आपका सिर्फ एक ही रिश्ता ठीक नहीं होगा, सारे रिश्ते एक साथ ठीक हो जाएंगे। इसी को कहा गया है एक साधे सब सत है। एक को साध लो सब सत जाता है। एक माने क्या? स्वयं को। उसी स्वयं को आत्मा भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं, सत्य भी कहते हैं। उसको साध लो सब सत जाएगा। तुमने स्वयं को जान लिया, तुम स्वयं के साक्षी हो गए, तुम सत्य के आगे समर्पित हो गए, तुम्हारे घर के चौकीदार से भी रिश्ता बेहतर हो जाएगा, प्रेमी से भी रिश्ता सुमधुर हो जाएगा, पड़ोसी से भी रिश्ता प्यारा हो जाएगा, पूरे जगत के साथ तुम्हारा संबंध सम्यक हो जाएगा, प्रेम का हो जाएगा। अगर तुम्हारा जो प्रथम संबंध है वो तुमने ठीक कर लिया, तो तुम्हारा जो प्रथम संबंध है वो अपने साथ है, उसी को कहते हैं परमात्मा के साथ संबंध, उसी को कहते हैं सत्य के साथ संबंध। समझ में आ रही है बात? होता बस ये है कि हमारे भीतर के जो विकार होते हैं वो आम तौर पर छुपे रहते हैं, लेकिन ये जो तथाकथित प्रेम के संबंध होते हैं इनमें वो उभर के सामने आ जाते हैं, क्योंकि इन संबंधों में ऊर्जा बहुत होती है। तुम पूरी दुनिया
से छुपा सकते हो कि तुम्हारे मन में ईर्ष्या है और शंका रहती है और हिंसा है, लेकिन तुम अपनी पत्नी से नहीं छुपा पाओगे, क्योंकि वहां पर तुम्हारी बड़ी गहरी वृत्ति है जिसके माध्यम से संबंध बन रहा है। दुनिया से तुम्हारे रिश्ते सतही हो सकते हैं, प्रेमी से, पति से या पत्नी से तुम्हारा जो रिश्ता होता है वो जरा गहराई का होता है। तो वहां पर तुम्हारे अंतर जगत की जो सच्चाई होती है वो उभर कर सामने आ जाती है। तो हमें ऐसा लगने लग जाता है, भ्रम हो जाता है कि जैसे कि खोट इस रिश्ते में है, बाकी रिश्तों में नहीं है। क्योंकि बाकी रिश्तों में तो हमें दिखाई ही नहीं पड़ता कि हम कितने ईर्ष्यालु हैं, हम कितने शंकालु हैं, हमारे भीतर कितनी हिंसा है, हमारे भीतर कैसा कैसा उपद्रव बैठा हुआ है। बाकी रिश्तों में तो हम अपना जो चेहरा प्रदर्शित करना चाहते हैं वो कर ले जाते हैं और किसी को खबर भी नहीं होती, खुद को भी नहीं, खुद को भी नहीं, हमारा नकाब कामयाब हो जाता है। लेकिन यही जब तुम अपनी गर्लफ्रेंड के सामने बैठते हो तो वहां तुम्हारे सारे नकाब उतरते हैं, क्योंकि रिश्ते की प्रवृत्ति कुछ ऐसी है कि वहां झूठ नहीं बोल सकते, वहां पर भेद खुल जाते हैं। हाँ, झूठ नहीं बोल सकते। और वहां जब भेद खुलते हैं तो लड़ाइयां हो जाती हैं, क्योंकि जितने भी तुमने अपने चेहरे पर सभ्यता और संस्कृति के फिर नैतिक नकाब ओढ़ रखे होते हैं वो उतर जाते हैं, तुम्हारा हिंसक और पाशविक चेहरा सामने आ जाता है। तो तुम्हारी जो पाशविकता है वो सामने आती है तुम्हारी प्रेमिका के, जब उसके सामने बैठे हो तो दिख जाता है कि तुम्हारे भीतर किस किस तरह के दोष बैठे हुए हैं। तो तुमको क्या लगता है, तुम्हें लगता है कि दोष रिश्ते में था, क्योंकि ये जब सामने आती है तभी तो दोष दिखता है। यही कहता हूं ये तो ऐसी सी बात है कि आईना आए और तुम्हें तुम्हारी शक्ल के दोष दिखा जाए तो तुम कहो कि दोष आईने में है, आईने में दोष नहीं है, दोष तुम्हारे ही भीतर था, प्रेमिका की उपस्थिति में वो दोष उभर कर सामने आ जाता है, वो आईना है। ठीक इसी तरीके से प्रेमिका के भीतर भी हजार दोष हैं, वो दुनिया से छुपा ले जाती होगी, दुनिया के सामने तो मुखौटे पहन के चल जाता है, तुम्हारे सामने आती है तो चूंकि रिश्ता ऐसा है कि जहां नग्न होना ही पड़ता है तो सारे दोष फिर उभर के सामने आ जाते हैं, बिल्कुल प्रकट हो जाते हैं। तो उसको भी क्या भ्रम हो जाता होगा कि कमी कुछ धीरेंद्र में है, क्योंकि ये जब सामने आता है तभी तो मैं हिंसक हो जाती हूँ, पूरी दुनिया के सामने तो मैं शांत शांत रहती हूँ, जब ये सामने आता है तो झगड़ा हो जाता है। तो उसको क्या लगता होगा कि झगड़े की वजह कौन है, धीरेंद्र। झगड़े की वजह न धीरेंद्र है, न झगड़े की वजह धीरेंद्र की गर्लफ्रेंड है, झगड़े की वजह दोनों के भीतर बैठे हुए भ्रम और विकार है। बल्कि तुम दोनों को एक दूसरे का आभारी होना चाहिए कि भाई जब तुम सामने आते हो तो हमारी पोल खुल जाती है, दुनिया के सामने तो हमारा झूठ चल जाता है, तुम्हारे सामने हमारा झूठ प्रकट हो जाता है। दोनों को एक दूसरे का एहसानमंद होना चाहिए। भ्रम भीतर बैठा है, विकार भीतर बैठा है, जब तक उसको नहीं हटाओगे तब तक कोई भी रिश्ता सुंदर, सुचारू, सहज नहीं हो पाएगा। अब उसके लिए क्या करना होगा, मान लो तुम हफ्ते में एक दिन मिलते हो अपनी गर्लफ्रेंड से, अपने आप को साफ करने की प्रक्रिया, निर्विकार हो जाने की प्रक्रिया तुम्हें पूरे हफ्ते चलानी होगी। सातवें दिन तुम्हारा और तुम्हारी प्रेमिका के बीच में माहौल कैसा रहता है ये इस पर निर्भर करेगा कि पिछले 6 दिन तुमने कैसे गुजारे हैं। 6 दिन ईमानदारी से गुजारो, 7वें दिन तुम पाओगे कि तुम्हारे और उसके मध्य जो उपद्रव होते थे वो कम हो गए हैं। अगर 6 दिन
तुमने शांति में गुजारे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सातवें दिन शांति अचानक गायब हो जाए। चूंकि तुम 6 दिन अशांति में गुजारते हो, इसीलिए सातवें दिन भी अशांति भवक के सामने आती है। तुम शांति से जुड़ जाओ, सातवें दिन भी शांति रहेगी, झगड़ा नहीं होगा। तो इसीलिए ये देखना ही छोड़ दो कि मेरा एक कोई खास विशेष रिश्ता कैसा है। तुम्हें पूरा देखना होगा कि मेरा पूरा जीवन कैसा है। जैसा तुम्हारा जीवन होगा, वैसे ही तुम्हारे सब रिश्ते होंगे। कोई एक रिश्ता ठीक करना है तो पूरी जिंदगी ठीक कर लो। तो कमी कहाँ रहती है, क्योंकि हम बुक्स भी पढ़ते हैं, आपके साथ भी होते हैं, वीडियोस भी देखता हूँ मैं, पर कमी कहाँ हो रही है फिर? बेटा, कोई भी चीज ठीक तब होती है जब सामने आती है। अगर तुम पूछ रहे हो कि कमी कहाँ रह जा रही है, तो तुम यही बता रहे हो कि तुम्हें अभी पता ही नहीं है कि दोष कहाँ है। इसका मतलब सामने नहीं आ रहे। जब सामने ही नहीं आ रहे, तो उनका कोई निदान और समाधान भी नहीं होने वाला। तो सबसे पहले जो अभी तुम्हारे लिए कर्तव्य है, वो ये है कि अपने आप को ऐसे माहौल दो जहाँ तुम्हारे दोष उभर के सामने आए, जहाँ कोई ऐसा हो जो खोद खोद करके तुम्हारे दोष निकाले। तो अपने आप को ऐसा माहौल दो जो तुम्हारे रोज के ढर्रों से हट कर हो, ताकि तुम अपने सुरक्षा कवचों के पीछे छुपे ना रह पाओ। जैसी तुम्हारी दिनचर्या चल रही है, उस दिनचर्या में तो तुम्हें पता ही नहीं लगता ना कि गड़बड़ कहाँ पर है। बिल्कुल, तो अगर वही दिनचर्या चलाते रहोगे, तो आगे भी पता नहीं चलेगा कि गड़बड़ कहाँ पर है। वो बदलनी पड़ेगी, अपने आप को नए माहौल देने पड़ेंगे। जब अपने आप को नए माहौल देते हो ना, तो अपनी जीवन के तथ्य सामने आते हैं। अन्यथा तो इंसान बंद कमरे में बैठे बैठे अपने बारे में मात्र कल्पना ही करता रहता है और सोचता रहता है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। जब आदमी सड़क पर आता है, तब उसे पता चलता है कि मैं वास्तव में कैसा हूं। तो अपने आप को सड़क पर आने दो, अपने आप को नई परिस्थितियों में आने दो। वो तुम्हारे विकार, तुम्हारे दोष, तुम्हारे भ्रमों को प्रकाशित कर देंगे, सामने आ जाएगी बात। अभी तो तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है कि तुम्हारे मन का माहौल कैसा है। अभी तो तुम जान भी नहीं पा रहे हो तुम किन डरों में फंसे हुए हो। तभी तो तुमने बड़ी मासूमियत से सवाल किया कि चूक कहाँ हो जा रही है, गड़बड़ कहाँ हो जा रही है। उसको तभी जान पाओगे जब उस माहौल से ज्यादा बाहर निकलो जिस माहौल में तुम अभी अटके हुए हो, फंसे हुए हो। अपने आप को नए लोगों की संगति में डालना होगा, और खास तौर पर ऐसे लोगों की जो बेबाकी से, ईमानदारी से तुम्हें बता सके कि तुम कौन हो, जो आईने की तरह तुम्हारे सामने खड़े हो सके। इसी तरीके से अपने आप को नई परिस्थितियों में डालना होगा, ऐसी परिस्थितियां जहां तुम्हारे पुराने ढर्रे तुम्हारे काम ना आ सके। समझ रहे हो? खड़ा कर दो अपने आप को खतरों के बीच में। खड़ा कर दो अपने आप को ऐसी जगहों पर जहां तुम्हारे अहंकार को चोट लगती हो। जितना अपने आप को ऐसी जगहों पर खड़ा करोगे, उतना ज्यादा अपने आप को जानते जाओगे। जितना अपने आप को जानते जाओगे, उतना तुम्हारी चिकित्सा होती जाएगी। बात बहुत सीधी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं सिर्फ बचता हूँ ऐसी चीजों से। इस बचते हो, इसीलिए तुम्हें पता नहीं है कि बीमारियां कहाँ पर हैं। अपने ढर्रों को तोड़ना पड़ेगा, नई दुनिया में प्रवेश करना पड़ेगा। जो पहनते हो उससे हटके कुछ पहनना पड़ेगा। जिन जगहों पर पाए जाते हो उनसे हट कर किन्हीं जगहों पर पाए जाना पड़ेगा। जो करते हो उससे हटके कुछ करना पड़ेगा। खास तौर पे वो काम करने पड़ेंगे जिनसे डर लगता हो, क्योंकि डर बताता ही यही है कि अहंकार छिप रहा है। डर बताता ही यही है कि अहंकार को चोट का खतरा है, और हमें तो चोट अहंकार को ही देनी है, क्योंकि अहंकार माने विकार। ज्यादा से ज्यादा बाहर निकलो, ज्यादा से ज्यादा अलग अलग तरीके के अनुभव इकट्ठा करो। जितना अपने आप को अलग अलग परिस्थितियों में डालोगे, उतना तुम्हारे अपने बारे में भ्रम उजागर होंगे और फिर टूटेंगे। होता क्या है ना, हम घर में बैठे रहते हैं,
और घर में बैठे बैठे हम अपने बारे में एक बड़ी अनुकूल छवि बना लेते हैं। हम ऐसी छवि बना लेते हैं जो हमें लगता है सच ही होगी। वो कितनी सच है वो पता तो तब लगे ना जब रोड में निकले, जब सड़क पे निकलो। कैसे कहते हैं ना, आटे दाल का भाव मालूम होना, बाहर निकलो तो पता चलेगा।